प्रमाण है कि आप जो भी कार्य करते हैं, कोई भी कमाई करते हैं, उसका दसवां हिस्सा आपने अच्छे कामों के लिए रखे। ये अच्छे काम के लिए निकल के आया है पंजाब के लीडर का। उनको जवाब भी दे दिया उन्होंने, किसानों ने उनके घर में गोबर डाल दिया। ये चीज हमारे पर थोपी जा रही है, कभी आतंकवादी बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे हैं ना। ये सरदार है, मैं हिंदू, अरे हिंदू मुस्लिम तो भाई, इसको तो भाई का भाई भाई हैं, और उसके बाद पंजाब रहना भाई भाई हो गए। बड़े प्यार से काम कर रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं, बाबा जी के यही लंगर की सेवा हो रही है। बैठे ही चार साल तक हो गया, चार साल पांच साल है, पांच साल तक यही रहेंगे अभी। ए देख लो तुसी, ए इस वेले किसानां वल्लों पक्के झंडे कढ़े जा रहे ने, पक्कियां शैडां पैनियां शुरू हो गईयां। एक तरह का ओपन चैलेंज हो रहा है कि भी साडे कानून वापस लो, नहीं तो इत्थे दूसरा पंजाब बसन की तैयारी तुसी देख रहे हो। दूसरा पंजाब बस रहा है, मेडिकल साडा इत्थे एक मेडिकल कैंप हैगा, इत्थे लग्या होया। आपां इन्हां नाल वीरों नाल गल करते हैं। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल जी। ए सर कितों तुसीं, कि जगह तो? भाजी साडा पिंड नौरा जिला नवा शहर आ। की नाम अपना? मेरा नाम तलविंदर सिंह है जी। भाजी किदां मेडिकल कैंप लगाया, दसो उस बारे किदां आया ये? मतलब असीं 28 तरीक तो साडा रेगूलर चल रहा, अपने को सारी दवाई, सारे तरह की दवाई आ, डॉक्टर अवेलेबल आ, जिहड़े जिद्दां दी भी सारा कुछ साडे को हैगा आ। डॉक्टर करमजीत सिंह। ते कित्थे सर तुसीं हैगे? नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। नालागढ़ तो? नालागढ़। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ? ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟਰੱਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 2,500-3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਠੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਈਏ ਆਪ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ। ਤੋ ਆਪ ਸਰ ਕਬ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈਂ? ਹੋ ਗਏ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈਂ ਅਭੀ, ਹਰ ਪਾਂਚ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਕਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ? यहाँ पर इसकी भूमिका निभा मेडिकल कैंप मेडिकल की। हाँ तो सर, क्या लगता आपको कि मोदी साहब लेंगे कानून वापस, क्योंकि यहाँ पे मैं देख लिया पक्के सारा कुछ हो गया कि हम तो बैठे हैं अभी यहाँ पे? बस बैठे ही चार साल तक हो गया, चार साल पाँच साल है, पाँच साल तक यहीं रहेंगे अभी। पर पंजाब में तो कैप्टन साहब ने लागू कर दिए हैं कानून। कौन सी के जो सेंटर ने, जैसे केजरीवाल ने किए थे कानून लागू, वैसे पंजाब में भी कल भारत भूषण जी का बयान है। सभी पॉलिटिक्स तो एक ही होते हैं सर, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये चीज है कि जो फार्मर जो जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो कानून तो जो बने हुए हैं मोदी सरकार ने लॉगे लागू किए हैं, ठीक है, बाकी जो फार्मर कह रहा है अभी उनको कोई हर्ष तो है नहीं, इग्नोर भी तो कर ही सकते हैं वो। मतलब कि भरे पेट में कह रहे हैं और रोटी डालो है, और हम चाहते नहीं कि डाले। तो क्या कोई मैसेज सर मोदी साहब के लिए? क्या कहें अभी मोदी साहब जी को? देखो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, जो किसान बैठे हुए हैं, जैसे दो कानून उन्होंने वापस ले लिए हैं, ये तीन कानून भी वापस लेंगे। और रही बात पंजाब में कैप्टन सरकार ने ये कानून लागू कर दिए हैं, ये तो एक भ्रम बनाने वाली बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। नहीं, पर स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करेगी ना, कल भरत भूषण जी ने कहा कि हम कर दिया पंजाब में लागू। अरे वो तो कह रहे हैं ये तीन लागू कर दिए हैं, हम कैंसिल करवाने के लिए बैठे हुए हैं ना, उनके कहने से क्या होगा? आपके हिसाब से ये सियासत चल रही है कि भड़काने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल 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 सियासत है सर, आप समझ सकते हैं कि उनको भी बोलने के लिए कोई चीज़ चाहिए। हमने तो एक बात पे जित पे बैठे हुए हैं कि ये वापस होंगे, आज नहीं तो कल, ठीक है ना, ये एक उनकी अड़ी है जिसके लिए वो क्या फोर्स कर रहे हैं कि हमने फोर्स कर लगा दिए हैं, ये लागू हो गए, लेकिन हमने एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं। अगर एक्सेप्ट किए तो हम पंजाब में बैठे होते, जहाँ ना होते दिल्ली में। अभी ये शेड वगैरह डाल दिया तो बाकी यहाँ मिनी पंजाब बनने की तैयारी हो रही है अब? अरे बिल्कुल, अभी आप ये देख लेना आने वाली जनरेशन इस
बॉर्डर को सिंघू बॉर्डर नहीं बोलेगी, बोलेंगी सिंह बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पर सिक्किम आप देख सकते हैं कि निशान साहब स्थापित कर चुके हैं, हर एक जगह केसरी झंडा लहराया जा चुका है, तिरंगे झंडे भी चढ़ रहे हैं। हम इसी देश का पार्ट हैं, वो हमें इस देश के पार्ट से अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अरे अगर खालिस्तान की बात करते होते हम, तो आज हम देख रहे हैं कि हमें वीज़ा लेके ननकाना साहब जाना पड़ रहा है पाकिस्तान में। कल को हम खालिस्तान बनाएंगे तो क्या यहाँ से जाने के नरेडी के लिए वीज़ा मांगेंगे, पटना साहब के लिए वीज़ा मांगेंगे? नो, नेवर। ये उनकी सोची समझी एक बदनाम करने की चाल है। ये प्रोटेस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पर चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पर हम सभी को समर्थन मिल रहा है इस किसान आंदोलन को, ठीक है ना। सर कई लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ फंडिंग के लिए वहाँ किसान बैठे हैं। अरे उनकी जो प्राणी आता फंडिंग है, जिसमें उनकी कोई बात नहीं माने कि फंडिंग है। कल कोई बीजेपी कोई कार्य करती है तो लोग क्या बोलते हैं, फंडिंग की जो उनका पुराना पैंतरा है बदनाम करने का, हमारी फंडिंग नहीं होती। यहाँ पे आप देख लें जितने सिख बैठे हुए हैं, गुरु साहब का एक फरमान है कि आप जो भी कार्य करते हैं, कोई भी कमाई करते हैं, उसका दसवां हिस्सा अपने अच्छे कामों के लिए रखे। ये अच्छे काम के लिए निकल के आया है, फंडिंग किस चीज की है सर? बीजेपी लीडर तो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, तो सिर्फ वहाँ पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे पता क्या है, पंजाब के लीडर का, पंजाब के लीडर का उनको जवाब भी दे दिया उन्होंने, किसानों ने उनके घर में गोबर डाल दिया, क्योंकि उनके दिमाग में गोबर है। वो निकाल के हम तो हम हाथ लगाएंगे तो वो बोलेंगे हमको पीट के बताया, ये करके बताया। उनके जो दिमाग में चढ़ रहा है वो उनको दिखा दिया कि आपके दिमाग में ये है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो सर जो अभी भी क्या कहते हैं पुलिस द्वारा रोका जा रहा है किसानों को, उसका क्या कारण हो रहा है कि क्यों रोक रहे हैं? जब आप आ ही गए अंदर तो और क्यों रोक रहे हैं? पुलिस तो अपना कार्य करने के लिए बैठी हुई है सर। आंसू गोले चल रहे हैं, वो जयपुर हाईवे पर बहुत माहौल खराब हो रखा है, वो निंदनीय जोग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास क्या है, क्योंकि आप यहाँ तो आ ही चुके हो, तो अब उनको आने की क्या, क्यों क्यों रोक रहे हैं, ये कारण क्या है? सर ऐसा है कि वो अब हिल चुके हैं। जब आदमी की दिमागी स्थिति ठीक ना हो तो वह पत्थर ही मारता है, वही घबरा चुके हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बस बस वो घबरा चुके हैं। हम सब एक हैं, बैठे हुए हैं, वो राजस्थान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, है तो यूनिटी है, इसलिए आ रहे हैं ना। अभी आप कह रहे हैं कि फंडिंग है, वो बेचारे फंडिंग के लिए सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी फंडिंग के लिए बैठे हैं। वो मेरी बात नहीं समझे आप, अभी वो बेचारे राजस्थान में हैं, ठीक है, हम पंजाब से हैं, वो फंडिंग के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। अकेले सिर्फ पंजाब के ऊपर दोष लगाना ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। अभी राजस्थान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, अभी आप बताइए। सर महाराष्ट्र के तो कई किसानों ने समर्थन भी दे दिया इस बिल को, दे दिया है ना उन्होंने काफ़ी, उनकी जो खुद की जो मंडियाँ हैं वहाँ पर, बॉम्बे में जो मंडी है या कहीं भी है, वॉट एवर इन महाराष्ट्र में कहाँ भी मंडी है उनकी, वो भी तो समर्थक कर रहे ही रहे हमारे साथ में कि वो भी फंडिंग के लिए आ रहे हैं, आप बताइए। ये तो बीजेपी की सोच है, अभी सब एक हो गए हैं, अभी ये हिल चुके हैं बीजेपी वाले, इनको खुद को सोचना चाहिए। एक छोटी सी कहावत है कि शेर और लेले की, आपने सुनी होगी ना, पढ़ी होगी छोटी क्लास में, उसमें क्या है, जिस तरफ से पानी आ रहा है वो उसको दबोचने के लिए है, तो जूठा पानी कर रहा है। यही चीज़ हमारे पर थोपी जा रही है, कभी आतंकवादी बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे हैं। आपको लगता है आतंकवादी, ये आतंकवादी लग रहे हैं आपको? 70-80 साल के हैं, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ हिंदू से, ये देखिए हिंदू कास्ट में मेरे पास जमीर है, ठीक है ना, ये सरदार है, मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू मुस्लिम भाई हैं और उसके बाद पंजाब रहना भाई भाई हो गए हैं। आप बताओ कि हमको छोटे वक्त एक ही ऐसे होता था, यूनिंदी स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ ही दोनों में है, बीजेपी तो एक अलग है। मतलब कि हूँ आप कानून वापस कराए बिना जाना नहीं, पक्की नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना है। चलो ये लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, कोई बात नहीं। ये हले एक सिर्फ कैंप दिखा रहे थे, मेडिकल कैंप के बीच नौजवानों का जो गुस्सा है, नौजवानों वालों जो एक हिंड मान ली गई है कि आप वापस नहीं आते, कानून वापस नहीं होंगे। हम पंजाब से आए हैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, ठीक है जी, हाँ जी, वहाँ हमारी तो जमीन तो थोड़ी है, इसलिए मतलब संघर्ष में पूरे हैं, हम मतलब के और बड़े प्यार से काम कर रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं, बाबा जी के यहीं लंगर की सेवा हो रही है और पूरे जोर शोर से रात दिन लगे हैं, और भी संगत लगी हुई है, जैसे मेडिकल वाले हैं हो रहे हैं, सब लगे हुए हैं हरियाणा के और साथ वाले पंजाब के, कोई सब्जी हरियाणा का, कोई दूध, कोई लकड़ी, सब की सर वाले मिलकर सेवा कर रहा है, ये संघर्ष को पूरा उठाने के लिए पूरा जोर लग रहा है। अरे भाई साहब पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह राणा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल कहाँ से सर? नालागढ़ तो आए जी अभी। नालागढ़ तो की आप इतने कर रहे कैंप का कर रहे? अभी इतने मेडिकल का कैंप लगाया हुआ फ्री सेवा, तो हिमाचल से साड़ी लगातार टीमां आ रही इतने, जिमें कि मतलब कि हर तरह की फैसिलिटी, टैसट भी किए जाते ब्लड शुगर वगैरह, और शुरू तो ही असी लगा रहे। किन्नी देर हो गया जो का स्टार्ट हो उदों तो इतने लगे हुए? हाँ जी उदों का लगे। मैं देखा कि बाकी कई जगह जो कच्चे वो है जिस तरह टेंट लगे होंगे, इतने तुम पक्का करता इंतजाम? हाँ जी। उदा की उदा की तुम लगता है लंबा चलना होर? ये हो सकता जी, अगर मोदी जी अपने मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लंबा चलना ही। अपने किसान तो अपने पक्के दृढ़ निश्चय आए हुए कि हो सकता जल्दी जल्दी मन जाए तो वधिया है, किसानों इदा ना तंग नहीं करना। हिमाचल के किसान घट जुड़े हैं नाल, कारण की उदा? एक तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, एक जो बंदे हैगे जुड़े हुए तो काफ़ी है, वैसे ऐसी गल नहीं है, काफ़ी बंदे आ रहे। जितना हरियाणा भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा के बहुत फार्मर नाल है, हिमाचल तो बहुत घट है, बट हाईलाइट घट हो वीर जी आते बहुत ने। ठीक है, साढ़े नालागढ़ तो ही घट्टो घट डेली 4-5 गड्डिया आ रही है। ठीक है, हाईलाइट नहीं हो रहे जिमें हरियाणा पंजाब होर अदर स्टेट के हाईलाइट है ना, एवं हाईलाइट नहीं है। मतलब कि हिमाचल भी चाहता कि ना ये लागू हो सकते? बिल्कुल चाहता है, हर स्टेट चाहती भाजी सब ने खानी भी। रोटी महाराष्ट्र हो गया, इधर कई स्टेट्स तो मन गई कि जी आप समर्थन देते हैं कानून में, कई नहीं। अरे वो तो मोदी की चाल है ना, मतलब अपने कुछ डुप्लीकेट किसान खड़े करते कि जी असी के बिल बहुत वधिया है, पर बिल कोई वधिया नहीं है। तुम देखो एम पी च नवी नवी वीडियो आ रही, 50-60 वीडियो आ गई कट्ठिया, वो बोल रहे कि मतलब किस साते कौन इसते मतलब कि ले ली फसल ले ली उन्होंने साते, और चेक देता और चेक बाद में बाउंस हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान करके चल गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। हिमाचल एम पी की गल है, एम पी की गल है, वीडियो मैं थोड़ा दे दूंगा हूँ ही है ना जी। फिर उत्थे जब किसी भी पास है ही नहीं कानून, किसी जब किसान चाहते नहीं, किसान चाहते नहीं कानून, तो सानू दे क्यों रहे जबरदस्ती? हुण कोई एक मैसेज दसो तुसीं, कोई देना चाहते हो सरकार? मैसेज भाजी ये है जी कि जिन्हें भी साढ़े किसान आगू है उन्होंने एक बेनती है कि तुसीं किसान मतलब किसान बिल का विरोध करो, लेकिन तुसी एक EVM का भी जरूर विरोध करो, क्योंकि मोदी नू डर कोई नहीं है, मोदी सिर्फ EVM करके जीत जाता। ठीक है जी, इस करके EVM का भी विरोध करो ताकि उसकी नब्ज है वो बंद हो सके। ये तुहानू जिहड़ी तस्वीर देख रहे हो तुसी, ये दिल्ली तो है सिंघू बॉर्डर तो, देखो इत्थे की माहौल हैगा, चिक्कड़ किन्ना होया पिया, फिर भी लोग नाल नाल ले खालसा चार दे रहे।